नमस्कार। कहा जाता है कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका 10% रिटेन करते हैं, जब किसी चीज़ को सुनते हैं तो 30% रिटेन करते हैं, और जब किसी चीज़ को देखते हैं तो करीब 50% रिटेन करते हैं। तो मैंने डायबिटीज़ के बारे में आपको लिखकर बता दिया, कहकर सुना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि डायबिटीज़ क्या है, ताकि आपका रिटेंशन उससे अच्छा हो जाए। और इसको दिखाने के लिए मैं आज एक बुक यूज़ कर रही हूँ, और इस बुक का नाम है जॉसलिन डायबिटीज़। एक्चुअली ये किताब जॉसलिन डायबिटीज़ सेंटर ने प्रोड्यूस की है और मेरे को 2006 में भेजी थी। तब से मैं इस किताब को करीब रोज़ाना यूज़ करती हूँ। सो थैंक्स टू डायबिटीज़ जॉसलिन सेंटर, मैं ये किताब आपको यूज़ करके बताऊँगी कि डायबिटीज़ क्या है, दिखाऊंगी कि डायबिटीज़ क्या है। तो शुरू करते हैं इस पिक्चर से। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं क्रीचर्स, ये हैं ग्लूकोस। ये ग्लूकोस जो है वो हमारे खाने से आता है, और ये खाने से आकर ग्लूकोस ब्लड से सेल में जाता है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, और इस ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए एक दरवाज़े की ज़रूरत होती है, और एक दरवाज़े पे डोर कीपर रहता है जिसका नाम है इंसुलिन। सो इंसुलिन दरवाज़ा खोलता है और ये ग्लूकोज सेल में चला जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और हम सबके शरीर में होता है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है। ये नॉर्मल है, और अब देखते हैं, ये है टाइप 2 डायबिटीज़। आप इन दो पिक्चर्स में कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि यहाँ पर कम ग्लूकोज है लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज है। इंसुलिन तो यहाँ है लेकिन इंसुलिन को उस ग्लूकोज को सेल में भेजने में बहुत परेशानी हो रही है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं, कि इंसुलिन तो है वहाँ पर लेकिन ग्लूकोज जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड में रह रहा है और सेल में नहीं जा रहा, इसलिए एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही। और जिन लोगों की शुगर बढ़ी रहती है इसीलिए वो बहुत थके थके से रहते हैं। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, और ये पिक्चर है टाइप 1 डायबिटीज़ की। आप इस पिक्चर में देखें तो देखेंगे कि इंसुलिन बिल्कुल मिसिंग है। यहाँ पर जितना भी ग्लूकोज है वो सिर्फ ब्लड में ही रहता है और ब्लड से सेल में नहीं जा पाता, जब तक कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग हैं वो इंसुलिन का शॉट लें। जब वो इंसुलिन का शॉट लेते हैं तभी ये ग्लूकोज सेल में जाता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़। पर अधिकतर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है लेकिन ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रहता है और उसमें जा नहीं पाता सेल में बहुत जल्दी से। तो आप क्या कर आप अगर इन दोनों दो पिक्चर को देख के कंपैरिजन करें तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे शरीर ब्लड में आए, और इंसुलिन जो है वो स्ट्रांग हो जाए ताकि वो ग्लूकोज को सेल में जल्दी से भेज सके। तो इसके लिए आपको कम कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ेंगे एक बार में, ताकि धीरे धीरे वो चेंज हो ग्लूकोज में। और इंसुलिन को ताकतवर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है वो ऐसे चीज़ें कम खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और थोड़ी एक्सरसाइज करें ताकि इंसुलिन जो है वो उनका स्ट्रांग हो जाए और वो ग्लूकोज को जल्दी से सेल में भेज भेज पाए। आज सिर्फ इतना ही।